आउज़ुलाम शैतवानरजीम बिसमिल्लर वहीम अमैलैक्म माई डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास सिक्स से आपको कंप्यूटर पढ़ाऊँगी ये मेरा कंप्यूटर का थर्ड लेक्चर है कल लेक्चर नंबर टू में हमने चैप्टर नंबर टू बाइंड कोड्स में नंबर सिस्टम की दो टाइप्स ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा था ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस एट है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस सिक्सटीन है इसके अलावा हमने बाइट्स जो कि कंप्यूटर मेमोरी को मैट करने के लिए यूनिट यूज़ किया जाता है बाइट्स उसके बारे में पढ़ा था और कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट सबसे से स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होता है इसके बारे में पढ़ा था और मैंने आपको होमवर्क दिया था थ्री क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली अटैम्प्ट किया होगा और अपना काम अच्छे से याद किया होगा सबसे पहले आप अपना होमवर्क टेली कर लीजिए आप सब अपने रजिस्टर्स ओपन कर लीजिए जी बेटा क्वेश्चन नंबर वन था डिफ़ाइन ऑक्टल यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ एट न्यूमरल्स ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन द रेडिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज एट क्वेश्चन नंबर टू विच नंबर सिस्टम इज़ यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरी दुनिया में कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड विच नंबर सिस्टम इज़ यूज इन कंप्यूटर कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ यूज इन कंप्यूटर ये आपका होमवर्क था नेक्स्ट देखिए आज के लेक्चर की तरफ आते हैं लेक्चर नंबर थ्री की तरफ आप सब अपने नोट्स ओपन कर लीजिए पेज नंबर टू चैप्टर नंबर टू बाइनरी कोड्स स्टेटमेंट नंबर थर्टीन से स्टेटमेंट नंबर ट्वेंटी वन तक हमने पढ़ना है पहले मैं रीडिंग करूंगी फिर आपको डिटेल समझाऊंगी कलेक्शन ऑफ फोर बिट्स इज कॉल्ड अ निबल कलेक्शन ऑफ एट बाइट्स इज कॉल्ड अ बाइट बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट्स ईच जीरो एंड वन बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड अ बिट जीरो मीन्स ऑफ एंड वन मीन्स ऑन कंप्यूटर स्टोर ऑल द डाटा इन द शेप ऑफ बिट्स When we store a single character, it consumes one byte. Computer manufacturers express the capacity of memory and storage devices in terms of the number of bytes. These can hold dash bytes. Using the formula, we can convert a figure of one base into another very easily. The conversion of decimal into binary uses a very simple process, which is called the remainder method. जी बेटा देखिए सबसे पहले है निबल निबल में उन्होंने क्या कहा है कलेक्शन ऑफ फोर बिट्स इज़ कॉल्ड निबल यानी फोर बिट्स की जो कलेक्शन है वो निबल कहलाती है एक बिट जो है उसमें एक डिजिट या तो ज़ीरो या वन स्टोर होता है तो यहाँ पे फोर बिट्स कहा है इसका मतलब फोर डिजिट्स वो फ़ोर टाइम्स ज़ीरो हो सकता है वो फ़ोर टाइम्स वन हो सकता है वो वन जीरो वन जीरो हो सकता है या जीरो वन ज़ीरो वन हो सकता है उनकी जो कलेक्शन है उन फोर डिजिट्स की उसको निबल कहा जाता है कलेक्शन ऑफ एट बाइट्स इज कॉल्ड बाइट एट बाइट्स की जो कलेक्शन है उसे बाइट कहा जाता है इसके अलावा बाइट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर टू में कि कंप्यूटर मेमरी को मैय करता है बाइट यानी मेमरी साइज का यूनिट भी है बाइनरी डिजिट और बिट का ग्रुप भी बाइट कहलाता है बिट स्टैंड फॉर बाइंड्री डिजिट बिट जो कंप्यूटर मेमरी का सबसे छोटा यूनिट है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसकी शॉर्ट फॉर्म बिट है और उसकी जो फुल फॉर्म है वो बाइनरी डिजिट्स है एच जीरो एंड वन बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड अ बिट एक जीरो और वन जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में बिट कहलाता है ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन कंप्यूटर स्टोर ऑल द डाटा इन द शेप ऑफ बिट्स कंप्यूटर अपने अंदर जितना भी डाटा स्टोर करता है वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर करता है व्हेन वी स्टोर अ सिंगल करेक्टर इट कंज्यूम्स वन बाइट्स जब हम एक करेक्टर को स्टोर करते हैं एक सिंगल करेक्टर को तो वो एक बाइट उसमें खर्च हो जाता है एक बाइट उसमें यूज़ हो जाता है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एक्सप्रेस द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बाइट्स दिस कैन होल्ड बाइट कंप्यूटर बनाने वाले मेमोरी की कैपेसिटी यानी जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं जैसे हार्ड डिस्क है यूएसबी, सीडीज़ हैं इसकी कैपेसिटी को जब शो करवाना होता है कि इसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है तो इसको वो नंबर ऑफ़ बाइट्स की सूरत में शो करवाता है द कन्वर्शन ऑफ़ डेसीमाल इंटू बाइंडिंग यूज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर मैथड जब हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है इसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो बहुत ही सिंपल होता है और उसको द रिमेंडर मेथड कहा जाता है बेटा हर स्टेटमेंट में आपको आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स बोल्ड किए हुए हैं वो सब आपकी ऑब्जेक्टिव भी है और इसके अलावा आपके क्वेश्चन भी हैं आप ये देखिए स्टेटमेंट नंबर थर्टीन में दो जगह पर आपकी ऑब्जेक्टिव बन सकती है फोर बिट्स और निबल ये दो ब्लैंक्स दो एम बन सकते हैं या क्वेश्चन बन सकता है नीचे एट बाइट्स बाइट उसके नीचे बिट बाइंड डिजिट्स बिट जीरो मीन्स ऑफ वन मीन्स ऑन कंप्यूटर स्टोर बिट्स बाइट द रिमेंडर मेथड बेटा आई की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें हर स्टेटमेंट में ऑब्जेक्टिव मौजूद होती है आपने सारी ही स्टेटमेंट्स अच्छे से याद करनी होती हैं ताकि जब आपके टेस्ट में या पेपर में ऑब्जेक्टिव आए या क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए सारी ही स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद किया करें इसके अलावा इन स्टेटमेंट्स में से मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क निकाला है उस होमवर्क को देखिए जी क्वेश्चन नंबर वन है डिफ़ाइन बिट क्वेश्चन नंबर टू है डिफाइन द रिमेंडर मैथड बेटा कल के लेक्चर लेक्चर नंबर फोर में मैं आपको ये होमवर्क टेली करवाऊंगी इसके अलावा हम चैप्टर नंबर टू बाइंड्री कोड्स का जो बाकी पार्ट रह गया है उसमें मेमोरी साइज स्टेबल है इसके अलावा डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइंड्री नंबर सिस्टम में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो मैं आपको कल के लेक्चर लेक्चर नंबर फोर में करवाऊंगी उस वक्त तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपना सारा काम साथ, साथ मुकम्मल कीजिए अल्लाह हाफ़िज़